Which of the following is a pure substance? Which of the following is a pure substance? Option A है air. Option B है distilled water. Air, distilled water. ऑप्शन सी है स्टील और ऑप्शन डी है ब्रास. तो देखिएगा प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये चैप्टर ही हमारा ये इज मैटर अराउंड अस प्योर. तो प्योर सब्सटेंस का मतलब ये नहीं है कि कोई प्योर का मतलब बहुत साफ सुथरा और इम्प्योर का मतलब गंदा, है ना, ऐसा नहीं है. यहां पर प्योर सब्सटेंस का मतलब ये है कि जिसमें सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल्स हों. जैसे हम एयर की बात करते हैं तो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस. उसके अंदर बहुत सारी अलग अलग टाइप्स की गैसेस का कॉम्बिनेशन होता है, उनका मिक्सचर होता है. तो इसलिए एयर तो नहीं होगा, प्योर सब्सटेंस नहीं होगा. फिर हम बात करते हैं डिस्टिल्ड वाटर की, तो डिस्टिल्ड वाटर प्योर सब्सटेंस होगा. क्यों? क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर में वाटर, जैसे मान लीजिए हम टैप वाटर की बात करते हैं, तो टैप वाटर में अलग अलग तरीके के सॉल्ट जो है वो मिक्स होते हैं. किसी में कैल्शियम ज्यादा है, किसी में मैग्नीशियम ज्यादा है, किसी में फॉस्फोरस ज्यादा है, ऐसा होता है. वो छोटी छोटी इंप्योरिटीज होती हैं. कहीं ऐसा होता है कि बड़ा खारा पानी आ रहा है तो उसमें रेत आ रहा है या नमक आ रहा है. तो हम ये कहते हैं कि डिस्टिल्ड वाटर एक ऐसा वाटर हो गया कि जिसके अंदर केवल और केवल H2O के ही मॉलिक्यूल्स हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ही मॉलिक्यूल्स हैं, उसके अलावा कोई और चीज नहीं है. प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, ठीक है. और रही बात स्टील की, तो स्टील जो है वो भी आयरन से बनाई जाती है, यानी कि आयरन के अंदर कुछ चीजें मिक्स करके स्टील बनाई जाती है. और ब्रास जो है, ब्रास का तो आपको पता ही होगा, कॉपर को और निकल को, इन दोनों को कंबाइन करके ब्रास बनाई जाती है. तो इट इज ऑल्सो अ मिक्सचर. तो जो प्योर सब्सटेंस है वो यहाँ पर डिस्टिल्ड वाटर ही हुआ बस. उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर टू. क्वेश्चन नंबर टू है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू. एक ही तरीके के पार्टिकल्स हों, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो है लेकिन वो कंपाउंड हो गया ना, तो कंपाउंड जो है, कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आते हैं. हमने कहा था कि जो भी हमारा मैटर है, मैटर को हमने क्लासिफाई वैसे सॉलिड लिक्विड गैस की तरह करते हैं. एक क्लासिफिकेशन तो ये हो गया. दूसरा क्लासिफिकेशन होता है एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर्स. तो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो प्योर हैं, जितने भी कंपाउंड्स हैं वो प्योर हैं, लेकिन जो मिक्सचर्स हैं, मिक्सचर्स इम्प्योर होते हैं, ठीक है. तो ये जो तीनों हैं, ये तीनों मिक्सचर हैं और ये एक अकेला कंपाउंड है H2O, ठीक. तो इस वजह से ये प्योर हो गया. क्वेश्चन नंबर टू देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स Which of the following statements are true? Which of the following statements are true for pure substances? For which of the following statements are true for pure substances? First है, pure substances contain only one kind of particles. Pure substance contain only one kind of particles. Only one kind of particles. Second में note करें कि pure substances may be compounds or mixtures. Pure substances may be compounds or mixtures. Third है, pure substances have the same composition throughout.
प्योर सब्सटेंसेस हैव द सेम कॉम्पोजिशन थ्रू आउट। और फोर्थ है, प्योर सब्सटेंसेस कैन बी एग्जम्प्लीफाइड कैन बी एग्जम्प्लीफाइड प्योर सब्सटेंसेस कैन बी एग्जम्प्लीफाइड बाई ऑल एलिमेंट्स अदर देन निकल। ऑप्शंस दे रखे हैं फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शंस हैं फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन ए है फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन बी है फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन सी है थर्ड एंड फोर्थ, और ऑप्शन डी है सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, अब आप ये देखिए, सबसे पहला जो फर्स्ट है, प्योर सब्सटेंसेस कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, तो ये तो पूरी तरीके से ठीक है कि फर्स्ट तो होगा ही होगा। तो अब जरा देख लो फर्स्ट किस किस में आ रहा है, ऑप्शन ए में और ऑप्शन बी में। ठीक है, फिर सेकंड है प्योर सब्सटेंसेस मे बी कंपाउंड कंपाउंड्स और मिक्सचर्स, तो सेकंड गलत है, प्योर सब्सटेंस जो है वो कंपाउंड तो हो सकता है, मिक्सचर नहीं हो सकता। तो थर्ड है प्योर सब्सटेंसेस हैव द सेम कॉम्पोजिशन थ्रू आउट, उनके एक जैसी कॉम्पोजिशन होती है थ्रू आउट, ऐसा नहीं कि कहीं पर ज्यादा डेंस है कहीं पर कम डेंस है, ऐसा नहीं होता, एक जैसा ही होता है थ्रू आउट। तो फर्स्ट एंड थर्ड यानी कि ऑप्शन बी, बताइए सभी को क्लियर है? यस सर। हां जी, तो क्वेश्चन नंबर टू ही हो गए। ओके ओके ओके, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी अ प्योर सब्सटेंस। Which of the following is considered which of the following is considered to be a pure substance? Which of the following is considered to be a pure substance? Option A has sodium chloride. ऑप्शन बी है मडी वाटर, ऑप्शन सी है ग्रेनाइट ग्रेनाइट, और ऑप्शन डी है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी अ प्योर सब्सटेंस, इनमें से प्योर सब्सटेंस कौन सा होगा? देखिएगा, जो जैसे मान लीजिए हम सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं, तो सोडियम क्लोराइड क्या है? सोडियम क्लोराइड एक कंपाउंड है। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड एक कंपाउंड हो गया, तो कंपाउंड प्योर सब्सटेंस होता है। मडी वाटर, मडी वाटर का मतलब क्या है कि पानी के अंदर मिट्टी मिली हुई है, और जो मिट्टी है, मिट्टी में बहुत सारी चीजें होती हैं, रैंड मतलब उसके अंदर सैंड होता है, उसके अंदर रॉक पार्टिकल्स होते हैं और स्टोन्स होते हैं छोटे छोटे, तो हम ये कहेंगे मडी वाटर तो नहीं हो सकता, वो तो मिक्सचर है। ग्रेनाइट जो है, ग्रेनाइट का स्टोन बनता है, ग्रेनाइट का स्टोन बनता है, तो स्टोन इज ऑल्सो अ कॉम्पोजिशन ऑफ मैनी स्मॉल स्मॉल थिंग्स। ठीक है, तो ये ग्रेनाइट हो गया, और डी है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूँ, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वो तो होता है बेटा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये आप लोगों को पता नहीं होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है ये,
और ये बनाया जाता है किस चीज के लिए, इनडाइजेशन को क्योर करने के लिए। अगर हमको कोई भी चीज हम खा रहे हैं और हमारा जो स्टमक है उसको प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है ड्यू टू एसिडिटी, तो उस एसिडिटी को रिलीफ करने के लिए, एसिडिटी से रिलीफ पाने के लिए ये चीज दी जाती है। डाइजीन में भी यही होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मेरे हिसाब से इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सोडियम क्लोराइड होना चाहिए, नमक। ठीक है, मैं एक बार आंसर देखकर बताता हूँ। सोडियम क्लोराइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी मिक्सचर की कैटेगरी में आएगा, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, बताइए बेटा, ऑनलाइन वालों को क्लियर यस सर। है? चलिए जी, ओके। उसके बाद अगला देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद में क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन 4 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी डज नॉट प्रूव दैट वाटर इज अ कंपाउंड? Which of the following property does not prove which of the following property does not prove that water is a does not prove that does not prove that water is a compound. Option A, water is made up of two different elements. टू डिफरेंट एलिमेंट्स एच एंड ओ, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, विच केमिकली कंबाइंड विद वन अनदर इन अ फिक्स प्रोपोर्शन। विच केमिकली कंबाइंड केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। ये तो ठीक लग रहा है। अगर कोई भी दो एलिमेंट्स, तीन एलिमेंट्स एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में कंबाइन कर दिए जाते हैं तो वो तो कंपाउंड की प्रॉपर्टी होती है। उन्होंने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी डज नॉट प्रूव दैट वाटर इज अ कंपाउंड, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है जो सही से ये प्रूव नहीं करती कि वाटर एक कंपाउंड है। तो हम ये कहते हैं पहली प्रॉपर्टी तो बिल्कुल सही से प्रूव कर रही है कि वाटर एक कंपाउंड है। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए तो ठीक है। ऑप्शन बी की बात करते हैं। वाटर हैज फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट, मुझे ये बी लग रहा है गलत। वाटर हैज फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट, वाटर हैज फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, ये मेरे को कोई प्रॉपर्टी नहीं लग रही कंपाउंड की, लेकिन देखते हैं, हो सकता है इससे भी ज्यादा गलत कोई प्रॉपर्टी दे रखी हो। ऑप्शन सी देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ वाटर कैन नॉट बी सेपरेटेड, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ वॉटर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई सिंपल फिजिकल मैथड्स, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई सिंपल फिजिकल मैथड्स, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई सिंपल फिजिकल मैथड। ऑप्शन सी ठीक लग रहा है। हम कहते हैं कि कोई भी जो कंपाउंड है उस कंपाउंड के, उस कंपाउंड को हम किसी भी सिंपल फिजिकल मेथड, जैसे कि इवेपोरेशन हो गया, या ऐसा थोड़ी होता है कि हमने पानी को गर्म करना शुरू करा, इवेपोरेट करना शुरू करा, हाइड्रोजन अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया। नहीं ना,
वाटर वेपर जाते हैं अलग होकर, जो स्टीम भी बनती है उसको मैं ये नहीं बोलता कि हाइड्रोजन अलग गैस निकल गई इसमें से और ऑक्सीजन अलग गैस निकल गई, नहीं, वाटर वेपर बनता है यानी कि स्टीम बनती है। तो सिंपल फिजिकल मेथड से तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग नहीं करा जा सकता, ये ठीक है, अभी तक तो बी गलत लग रहा है। ऑप्शन डी देखते हैं, डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर एंड टैप वाटर डिस्टिल्ड वाटर एंड टैप वाटर एंड टैप वाटर हैव सेम टेस्ट एंड कॉन्सिस्टेंसी, हैव सेम टेस्ट एंड कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ये जो इन्होंने सेम टेस्ट और कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करी है ये मुझे गलत लग रही है। डिस्टिल्ड वाटर जो है और टैप वाटर में पहली चीज तो ये है कि टेस्ट दोनों का अलग होता है। जो डिस्टिल्ड वाटर है डिस्टिल्ड वाटर का टेस्ट बिल्कुल अलग होगा, ठीक है, और जो टैप वाटर है टैप वाटर का टेस्ट बिल्कुल अलग होगा। टैप वाटर में कुछ अनवांटेड पार्टिकल्स भी मिले होंगे, हो सकता है डस्ट हो सकता है सैंड पार्टिकल्स हो सकता है कैल्शियम मैग्नीशियम एक्स्ट्रा क्वांटिटी में हो, लेकिन डिस्टिल्ड वाटर में ऐसा नहीं होता। और ये टेस्ट वाली बात तो फालतू की है, क्या मैं टेस्ट करके बता सकता हूँ कौन सी चीज कंपाउंड है कौन सी चीज कंपाउंड नहीं है ना? तो इसका मतलब मुझे तो ऑप्शन डी लगता है गलत, ऑप्शन बी इसके कंपैरिजन में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। मालूम है कि वाटर का फिक्स बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो मुझे ऑप्शन डी लगता है कि ऑप्शन डी गलत है। एक बार मैं देख लेता हूँ, फोर्थ का बिल्कुल सही, इसमें ये दे रखा है एक्सप्लेनेशन, डिस्टिल्ड वाटर एंड टैप वाटर हैव डिफरेंट टेस्ट एंड डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इन्होंने दिया है सेम, है ना, तो डिस्टिल्ड वाटर हैज प्योर H2O मॉलिक्यूल्स व्हाइल टैप वाटर में कंटेन अदर मॉलिक्यूल्स ऑल्सो, ठीक है, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन डी ही गलत है इसमें। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं क्लियर है, देवांश, यस जानवी, सिमर, टिया, विधि, यशिका, यस यश, सर, सभी को क्लियर? क्या हो गया इसको, डरा रहे हैं बार बार। तो दिवाली में बहुत टाइम है, इतने पार्टी भी छोड़ रहे हैं, तुम भी जलाते हो पटाखे, तुम भी जलाते, नहीं जलाते, तीनों नहीं जलाते, बड़े शरीफ हो, रहने दो, पक्का, कब से? अच्छा पिछले साल से छोड़ दिया, पिछले साल तो किसी ने भी नहीं जलाया, कोरोना काल चल रहा था। तो पिछले साल तुम 8th क्लास में थे, सही है, मैं भी 8th में था जब मैंने जलाने छोड़े थे, फिर जलाए ही नहीं उसके बाद से। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, फाइव है द एलिमेंट एक्स हैविंग एटॉमिक नंबर 16, एलिमेंट एक्स हैविंग एटॉमिक नंबर 16 द एलिमेंट एक्स हैविंग एटॉमिक नंबर 16 हैविंग एटॉमिक नंबर 16 इज ए पार्ट है, ऑप्शन ए है अ मेटल, ऑप्शन बी है अ मेटालॉइड, ऑप्शन सी है अ नॉन मेटल, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। एक चीज सभी बच्चे समझेंगे कि अगर कोई भी एलिमेंट दे रखा है, दुनिया का कोई भी एलिमेंट मुझे दे रखा है, अगर वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है यानी कि अगर वो कैटायन बनाता है तो फिर वो मेटल है, अगर वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो फिर वो नॉन मेटल है, ठीक है,
तो इन्होंने, क्योंकि मेरे को मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड ये एग्जांपल दिया है इन्होंने, हाँ, तो मैं क्या कहूंगा, जैसे 16 है, एटॉमिक नंबर 16 दे रखा है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना जानते हैं, 2.8 है ना, उस तरीके से। तो इसको हम, मैं इसको सॉल्व करना पड़ेगा। आप ये देखिए, जैसे 16 दे रखा है, तो 16 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2.8, 2.8 हो गया 10, और उसके बाद आ जाएगा 6। तो 6 का मतलब क्या है कि इसको जो आउटर मोस्ट शेल है, आउटर मोस्ट शेल में वैसे तो देखिए थर्ड शेल में 18 आते हैं, 2, 8, 18, 32, इस तरह से होता है, लेकिन यहाँ पर 6 दे रखा है। हम ये कहेंगे कि जो हम अभी 9th क्लास में पढ़ेंगे, 10th में पढ़ेंगे, इवन 12th तक भी आप पढ़ोगे ना, तो थर्ड शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो भी एलिमेंट स्टेबल हो जाता है। तो इसका मतलब थर्ड में भी 8 आएगा तो भी चलेगा। तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए हमको क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो ये क्या करेगा, ये ना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटर नहीं है, डोनर नहीं है, ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से एक्सेप्ट कर लेगा अपना ऑक्टेट, ऑक्टेट मतलब 8 का ग्रुप, 8 इलेक्ट्रॉन्स का ग्रुप कंप्लीट करने के लिए। तो जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर से लेता है वो नॉन मेटल होता है, ठीक है। जो महान है, एम फॉर महान, एम फॉर मेटल, महान कौन है, जो दाता है, जो डोनेट करता है। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो महान है, एम फॉर महान एंड एम फॉर मेटल। कहते हैं ना भाई, जो दान दे रहा है वो बहुत महान आदमी है, तो महान इंसान जो है वो मेटल, ठीक। और ये भिखारी है, मांग रहे दे दो, 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, तो फिर ये क्या है, मेटल तो नहीं हो सकता, उसका उल्टा ही होगा, नॉन मेटल। समझ गए भाई, ऑनलाइन वालों को क्लियर है, यस सर। ठीक है। चलिए जी आगे चलते हैं। हाँ सर जी बोलिए। नहीं समझ आया। नहीं समझे, बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, आप याद रखिएगा कि हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है किसी भी एलिमेंट का। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानते हो, जैसे 16 है इसका एटॉमिक नंबर, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, 2.8.6, ये मालूम है, यस सर। ठीक है ना। तो 2.8, वीडियो में दिखाई दे रहा है कि कीड़ा चल रहा है यहाँ पर, 2.8.6, ठीक। तो टोटल 16 हो गए। अब आउटर मोस्ट शेल में ना 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं स्टेबल करने के लिए, तो 6 हैं, इसको 2 ही तो चाहिए बाहर से। तो जो इलेक्ट्रॉन मांगता है, जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो क्या होता है, वो नॉन मेटल होता है, जो इलेक्ट्रॉन देता है वो मेटल होता है। तो क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन बाहर से ले रहा है तो इसका मतलब ये नॉन मेटल है, समझ गए। यस सर। चलिए जी ठीक है, अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। Which of the following is a non-metal? Which of the following is a non-metal? Option A है आयरन, Fe। ऑप्शन बी है सोडियम, सोडियम का सिंबल Na। ऑप्शन सी है क्लोरीन, सॉरी कॉपर, सीयू कॉपर, और ऑप्शन डी है सीएल, सीएल मतलब क्लोरीन। इन सबके एटॉमिक नंबर याद है क्या, इसका तो याद होने की जरूरत ही नहीं है, आयरन है, आयरन तो मेटल ही होता है, कॉपर की भी कोई टेंशन नहीं, कॉपर भी मेटल ही होता है। देखिए मेटल्स की एक प्रॉपर्टी होती है, दे आर सोनोरस, सोनोरस का मतलब क्या है कि अगर उनको स्ट्राइक करते हैं तो टन 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 ये रिंगिंग साउंड आती है। तो कॉपर का भी मेरे को पता है, कॉपर का तो होता है ना, वैसल होता है, घर में पानी पिया जाता है कॉपर में रख के। आयरन तो लोहा, सब जानते हैं मेटल है, ठीक है। बात करते हैं सोडियम की और क्लोरीन की। सोडियम का एटॉमिक नंबर बड़ा कॉमन सा है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो 11 अगर है इसका एटॉमिक नंबर, तो 11 को कैसे लिखेंगे, 2.8.1, बड़ा महान है ये तो, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसका मतलब मेटल है, ये भी मेटल, ये भी मेटल, ये भी मेटल, बस इसके बारे में टेंशन ही मत लो, ये नॉन मेटल हो गया, ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं क्लियर है? नो सर। यस अरे जो डोनेट करेगा वो मेटल है। देखिए कॉपर का मुझे पता है, कॉपर मेटल होता है, आयरन का भी सभी को पता है, ये तो बहुत कॉमनली यूज्ड मेटल्स हैं, कॉपर हो गया और आयरन हो गया। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 11, तो 11 जो है, 11 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, पहले शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं तो 2 आ गए, इलेक्ट्रॉन
एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक ही बात है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब तक हम डोनेट नहीं करते या एक्सेप्ट नहीं करते वो इक्वल होते हैं। तो एटॉमिक नंबर 11 है तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स उसके पास 11 है, तो पहले शेल में दो इलेक्ट्रॉन फिट हो जाते हैं, दो से ज्यादा नहीं आ पाते पहले शेल में। दूसरे वाले में 8 आ पाएंगे, 2 प्लस 8 कितना हो गया, मैक्सिमम 8 आ पाएंगे, तो 8 आ गया, 2 प्लस 8 हो गया 10, टोटल 11 है। अभी एक बचा हुआ है तो तीसरे शेल में एक इलेक्ट्रॉन रह गया। अब इस एक इलेक्ट्रॉन के बस की बात तो है नहीं कि बाहर से ये 7 इलेक्ट्रॉन्स को खींच ले, बेचारा कमजोर पड़ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये सोचेगा कि यार फालतू में जोर लगाने का कोई फायदा नहीं है, मैं डोनेट ही कर देता हूँ अपने आप को। तो इसने क्या करा कि इसने खुद को ही डोनेट कर दिया। तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट जो कर रहा है वो बड़ा महान है, और जो महान होता है वो मेटल होता है। ये मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, रटने के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये एक्चुअल में यही है कि जो इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं वो ही मेटल होते हैं। तो सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, कॉपर का मुझे पता ही है मेटल है, आयरन मेटल है मैं जानता ही हूँ, बचा क्या क्लोरीन, तो क्लोरीन ही होगा नॉन मेटल, समझ गए? यस सर, समझ गए, क्योंकि हमने सुना है काफी कि ये जो चीज है ये आयरन की बनी हुई है, ये कॉपर की बनी हुई है, ये एल्यूमिनियम की बनी हुई है, तो मेटल्स की चीजें बनती है, नॉन मेटल की नहीं बनती। कभी सुना है कि क्लोरीन की एक टेबल बना दो, आयरन की टेबल बना सकते हैं, आयरन का वेसल बना सकते हैं, कॉपर का वेसल बना सकते हैं, क्लोरीन का थोड़ी कुछ बनाएंगे, तो ये नॉन मेटल है क्लोरीन, ठीक है। चलिए जी आगे चलते हैं फिर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटलॉइड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ Which one of the following is a metalloid? Question number 7 में ऑप्शन ए देखिए, Na, Fe, Cu, ऑप्शन बी में है Fe, ऑप्शन सी में है Cu, ऑप्शन डी में है As. As का मतलब होता है आर्सेनिक, ये एक एलिमेंट है आर्सेनिक। मैं जानता हूँ सोडियम भी मेटल है, आयरन भी मेटल है, कॉपर भी मेटल है, बस तो जो बचा वो नॉन, वो मेटलॉइड हो गया। मेटलॉइड का मतलब क्या होता है, देखिए नॉन मेटल मुझे पता है, मेटल मैं जानता हूँ, अब ये मेटलॉइड कहाँ से नई चीज आ गई। मेटलॉइड एक ऐसी चीज होती है, एक ऐसा एलिमेंट होता है जो थोड़ी बहुत मेटल्स की भी प्रॉपर्टी शो कर देता है, थोड़ी बहुत नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टी शो कर देता है, ठीक है। वो प्योर मेटल तो है नहीं, क्योंकि प्योर मेटल तो मुझे पता है ये तीनों के तीनों तो मेटल है, ठीक है। तो आर्सेनिक ही बचा तो वही मेटलॉइड होगा, समझ गए जी, बताइए, समझ गए, क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें। यस सर, ठीक है जानवी, समझ गए? कीड़े आ रहे हैं क्या? ये आते ही है इस मौसम में। अगला नोट करें, टू एलिमेंट्स एक्स एंड वाई कंबाइन टू गिव अ प्रोडक्ट जेड। टू एलिमेंट्स एक्स एंड वाई कंबाइन टू गिव अ प्रोडक्ट जेड। एक्स एंड वाई कंबाइन टू गिव अ प्रोडक्ट जेड, फुल स्टॉप। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट जेड इज,
द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट जेड इज ऑप्शन ए है जेड हैज मोर मास देन दैट ऑफ एक्स. ऑप्शन बी है जेड हैज लेस मास देन दैट ऑफ एक्स. ऑप्शन सी जेड हैज लेस मास देन दैट ऑफ वाई. देखो ऐसा तो होगा नहीं कि आप x और y दो एलिमेंट्स हैं उनको कंबाइन करके एक तीसरा एलिमेंट बना रहे हो, तो वो तीसरा कंपाउंड बना रहे हो सॉरी. तो जब आप x और z को कंबाइन करके एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक कंपाउंड बना रहे हैं z, तो ऐसा तो होगा नहीं कि z का मास उससे बहुत ज्यादा हो जाए. ऐसा तो हो नहीं सकता. z हैज मोर मास देन दैट ऑफ x, ऐसा तो नहीं होगा. हम ये कहेंगे z हैज लेस मास देन दैट ऑफ x. c हैज z हैज लेस मास देन दैट ऑफ y, ऐसा भी नहीं होगा. तो ऑप्शन नंबर डी ये देखते हैं. z शो सेम प्रॉपर्टीज एज दैट ऑफ x एंड y. z शो सेम प्रॉपर्टी एज दैट ऑफ x एंड y, एज दैट ऑफ एक्स एंड वाई. ठीक है, तो एक्स और वाई जैसी ही प्रॉपर्टी जेड शो करता है, तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि कंपाउंड जो है, कंपाउंड अपने जो भी एलिमेंट्स हैं, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उनकी प्रॉपर्टी शो करता है हमेशा. ठीक है, बाकी मैं एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 का. उन्होंने बोला जेड इज अ न्यू प्रोडक्ट Thus, it cannot show same properties. नहीं, हमारा गलत है. ऑप्शन नंबर ए सही है क्योंकि इन्होंने x और y के बारे में नहीं बोला, इन्होंने बोला है सिर्फ x के बारे में. तो z का मास x से तो ज्यादा ही होगा. जब x और y से कंबाइन होकर बन रहा है तो x से तो ज्यादा होगा. ये मैं गलत बता रहा था, ये ठीक नहीं है. कंपाउंड्स same property as that of x and y, as that of x and y. Compound जो है वो copper sulfate का हमने देखा था, उसमें वो copper की भी property show करता है, sulfur की भी करता है. ठीक है, सब जगह ये true नहीं होगा, ये सब जगह true नहीं होगा, लेकिन ये बिल्कुल ठीक है. अगर वो बोलते हैं कि z has more mass than x and y, कि अगर कि वो x से भी और y से भी दोनों से भी ज़्यादा mass है z का, तब तो वो गलत होता. लेकिन इन्होंने बोला है कि x से ज्यादा, x से तो ज्यादा होगा ही होगा, x से तो ज्यादा होगा ही, z का मास नया प्रोडक्ट बन रहा है. ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए ठीक है. ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, क्लियर है? यस यस सर. ठीक है, अगला देखते हैं. ये एग्जम्पलर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9. टू सब्सटेंसेस ए एंड बी वर मेड टू रिएक्ट. Two substances A and B were made to react two substances A and B were made to react to form a third substance. To form a third substance,
वर मेड टू रिएक्ट टू फॉर्म अ थर्ड सब्सटेंस कॉमा ए टू बी, ए टू बी, उसने तीसरा एक सब्सटेंस बना दिया ए टू बी अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन. According to the following reaction. According to the following reaction. अब वो reaction क्या है? 2a plus b gives a to b. Which of the following statements concerning this reaction which of the following statements concerning this reaction are incorrect? Concerning this reaction are incorrect. Are incorrect. First है the product A to B shows the properties The product A to B shows the properties of substances A and B. Properties of substances A and B. Second, the product will always have a fixed composition. Will always have a fixed composition. Third, the product so formed cannot be classified as a compound. The product so formed cannot be classified as a compound. Fourth, the product so formed is an element. The product so formed is an element. Option A hai. First, second, and third. Option B hai. Second, third, and fourth. Option C hai. First, third, and fourth. ऑप्शन डी है सेकंड थर्ड एंड फोर्थ. हाँ पता नहीं क्या करते हैं. सेकंड थर्ड एंड फोर्थ.
बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसर्निंग दिस रिएक्शन आर इनकरेक्ट। तो कौन कौन सी स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है, तो आप ये देखिए सबसे सभी ऑप्शंस में मेरे को तीन तीन स्टेटमेंट्स दे रखे हैं। इसका मतलब तीन स्टेटमेंट्स यहाँ पर गलत हैं, कोई एक ठीक है, बस एक ठीक वाली ढूंढ लो, बाकी तीनों इनकरेक्ट होंगी। द प्रोडक्ट ए टू बी शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस ए एंड बी, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कंपाउंड है ए टू बी, तो वो ए और बी की प्रॉपर्टीज शो करेगा, जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये गलत है। फर्स्ट है द प्रोडक्ट विल ऑलवेज हैव अ फिक्स्ड कंपोजिशन, ये जो प्रोडक्ट बनेगा इसकी हमेशा एक फिक्स्ड कंपोजिशन होगी, ये ट्रू है। कंपाउंड की जो कंपोजिशन होती है, जो प्रोपोर्शन होता है, वो फिक्स होता है। तो हमारा सेकंड ठीक है, तो फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ यानी कि ऑप्शन सी, ऑप्शन सी का मतलब ये तीनों के तीनों इनकरेक्ट हैं। मैं एक बार देख लेता हूँ, नाइन्थ का द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, द कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इज फिक्स्ड। ठीक है, तो हमारा सेकंड वाला ही ठीक है, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ के तीनों गलत हो गए। बताइए जी, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, क्लियर है? ठीक यस सर। है, चलिए जी, फिर आज इतना ही करते हैं, बाकी कल करते हैं जी आगे, ठीक है। और कल फिर मैं साइंस का आपको नया चैप्टर स्टार्ट करवाऊंगा, टर्म टू का, ठीक है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, हुई? हाँ ठीक, चलिए जी, ओके। सर हाँ जी बताइए। सर मेरे को थोड़ी सी न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम थी, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूं? हाँ जी कर दीजिए। ओके सर, ओके ओके ओके। थैंक यू।